दोस्तों अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेड़ात मराठे वीर दौड़ले साथ से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है, जिसमें एक्टर मराठा पगड़ी, सफेद कुर्ता, पैजामा और दाढ़ी मूछ के साथ नजर आ रहे हैं। अक्षय के वीडियो शेयर करने के बाद फैंस ने रिएक्शन भी देने शुरू कर दिए थे। दोस्तों अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म वेड़ात मराठे वीर दौड़ले साथ में अपने लुक को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। आपको बता दें कि यह फिल्म महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित और वसीम कुरैशी द्वारा अपने बैनर कुरैशी प्रोडक्शन के तहत निर्मित है। फिल्म में अक्षय शिवाजी महाराज के रोल में नजर आएंगे। अभिनेता की इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही उनके फैंस में इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी। वहीं उनके लुक के सामने आने से फैंस के एक्साइटमेंट के स्तर को एक नई ऊंचाई पर ला दिया है। आपको बता दें कि यह फिल्म सात बहादुर यादव की कहानी के बारे में है, जिनका छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को हकीकत में लाने का एकमात्र उद्देश्य था। इतिहास के शानदार पन्नों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी साल 2023 में रिलीज होने के लिए तैयार है। दोस्तों यह फिल्म मराठी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जय दुधने, उत्कर्ष शिंदे, विशाल निकम, विराट मेकड़े, हार्दिक जोशी, सत्या, नवाब खान और प्रवीण तरडे जैसे कलाकार अहम रोल में हैं। वही दोस्तों जब से अक्षय कुमार का यह लुक सामने आया है तब से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, अभिनेता प्रकाश राज ने भी उनको ट्रोल किया। आपको बता दें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का मीम शेयर करके अक्षय कुमार को ट्रोल किया। वेड़ात मराठे वीर दौड़ले साज से छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार से अक्षय कुमार के फर्स्ट लुक पर प्रकाश राज ने तीखा तंज कसा है। जी हां, दरअसल प्रकाश राज ने ट्वीट में दो तस्वीर शेयर की है, जिसमें से एक में अक्षय का छत्रपति शिवाजी महाराज का लुक है और दूसरे में अक्षय पीएम मोदी के इंटरव्यू की एक फोटो है। आप देख सकते हैं ये फोटो मीम है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय से कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे आ गया गुटखा खोर, जिस पर अक्षय कहते हैं, वैसे ही जैसे आपके पास 1988 में डिजिटल कैमरा आ गया था। इस तस्वीर के साथ प्रकाश राज ने कैप्शन में लिखा, मन की बात सिर्फ पूछ रहा हूँ, जस्ट आस्किंग। आप सबको याद दिला दे कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार के खिलाफ प्रकाश राज ने सीधे तौर पर मोर्चा खोला है, बल्कि इससे पहले प्रकाश राज ने अक्षय कुमार पर तब निशाना साधा था जब खिलाड़ी ने ऋचा चड्ढा के गलवर ट्वीट पर रिएक्ट किया था। खैर दोस्तों, ये जो फर्स्ट लुक में बल्ब दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ फिल्म के लिए उचित लाइटिंग के लिए लगाए गए हैं। इसका दोस्तों असल फिल्म में कोई संबंध नहीं है। एक फिल्म को शूट करने के लिए काफी लाइटिंग की आवश्यकता होती है और उस बल्ब का इस्तेमाल सिर्फ इस कारण हुआ है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।